तो आज यहाँ में डिलीवर हुआ है, तो इसको मैं अभी अनबॉक्स कर देता हूँ। आप लोग रुकते रहिए। तो पैकिंग में इसमें आपको ये अलग से मिलेगा, ये अलग से मिल जाता है, बैक साइड का है ये। इसके बाद यहाँ पे है आपका चेयर, मैं निकलता हूँ इसको अभी। तो ये हमारा जो बैक साइड का जो सपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिलेगा। तो पैकिंग का मामले में फ्लिपकार्ट वाला लोग ने बढ़िया पैक किया है, अच्छे से पैक कर दिया है, तो मैं तारीफ़ करता हूँ फ्लिपकार्ट वाला लोग को। ये हमारा बेस है जो मेटल से बना हुआ है, और इन लोगों ने वेल्डिंग भी ठीक ठाक ही है, वेल्डिंग अच्छा ही है, रोलिंग के साथ में आएगा। और ये हमारा ये बैठने वाला जगह है, तो कुशनिंग तो ठीक ही है, लेकिन ये जो आर्म रेस्ट है इसमें तो इन लोगों ने कुशन नहीं दिया, ये तो जस्ट सिंपल प्लास्टिक है। मैं तो सोचा था कि ये कुशन में आएगा बोल के, लेकिन सिंपल प्लास्टिक में दिया है ये। तो यहाँ पे आपको ये इंस्टॉलेशन गाइड भी मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। साथ में यहाँ पे आपको दो स्क्रू जो नट को घुमाने के लिए मिल जाएगा। तो इसको कैसे फिटिंग करना है, तो स्टेप वन को फॉलो करते हैं। तो स्टेप वन में ये वाला पार्ट जो इसको जहाँ में हम लोग बैठ जाते हैं वहाँ पे फिटिंग करेंगे। आप इसको देखने से जहाँ में हम लोग बैठता है, तो इसमें देखिए यहाँ में लेफ्ट है, इस तरफ में राइट भी दिया है, साथ में इसमें आपको एरो एक डायरेक्शन ऑफ एरो दे दिया। तो इसको जिसको फिट करना है ये भी डायरेक्शन ऑफ एरो के साथ में मिलाते हैं कुछ इस तरह। अभी इसको हमको ये स्क्रू भी दो टाइप का है, एक तो थोड़ा छोटा एक तो बड़ा है, हमको इसको अभी फिट करना है, तो रुकते रहिए। तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अभी इस स्टेप टू में क्या है, जो बैक साइड है ये जो जहाँ पे सीट करेगा वहाँ पे इसको फिट करना है, यानी कि ये जो हमारा बैक साइड है इसमें तीन नट जगह है, तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फिट कर लिया है बैक साइड को भी। अभी थर्ड स्टेप है जो हमारा जो सपोर्ट बेस सपोर्ट है इसको फिट करना है। तो ये वाला पार्ट को हमें यहाँ पे प्लेस कर देना है, उसके बाद जो हमारा ये पार्ट है इसको जस्ट इसके ऊपर में कवर अप करना है। तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक। तो स्टेप थ्री, तो स्टेप फोर में जो अभी इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है, तो ये जो इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है, ठीक। तो देख लीजिए जैसे कुछ इस तरह मैंने प्लेस कर दिया है अब बाहर से देखने से, ठीक, कुछ इस तरह प्लेस कर दिया है। सो नाउ इट इज़ रेडी टू यूज़। तो इसमें आपको हम अभी कुछ बता देगा। तो अभी देख लीजिए ये वाला जो पार्ट है, तो आप जब यहाँ पे बैठेगा तो ये आप इसको डाउन कर सकता है, ये आपका डाउन अप के लिए है, इसको आप उठा के इसको डाउन कर सकता है। तो अभी इसको हम फिर नीचे प्रेस करने से ये उठ जाता है, ये देखिए, ठीक है, ये आपका अप डाउन की देखा माता है। जो हैंड रेस्ट है इसमें भी यहाँ पे प्रेस, यहाँ पे बटन है, इसको प्रेस करके आप अपना हाइट का हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है। फिर जो ये हमारा हेड रेस्ट है, यहाँ पे एक बटन है, ये बटन को दबा के आप ये हेड को अप डाउन कर सकता है आराम से, ठीक है। और हमारा ये चीज़ जो आप अगर इस तरफ से घुमाएगा तो ये जो आपका बैक सपोर्ट है, जो बैक पेन के लिए है, जो बैक सपोर्ट है, आप अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो अंदर जाएगा। तो आप फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ इसको रोटेट करेगा तो फिर जो हमारा बैक सपोर्ट है फिर इस तरफ आएगा। तो आपको अपना कंफर्ट का हिसाब से इसको भी एडजस्ट करना है।
फिर जो हेड रेस्ट है ये भी आपका टिल्टेबल है, इसको आप टिल्ट कर सकता है। तो लेकिन मेरा प्रोडक्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये क्रैक आ गया है, तो फिर भी हो जाएगा, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। सो जो भी हो, नाउ इट इज़ दिस चेयर इज़ रेडी टू यूज्ड। तो यहाँ पे तो मैं एक बार बैठ के आपको कंफर्ट बता देता हूँ। अभी जस हो रहा है। तो मैं अभी बैठ के देखा हूँ, तो 3-4 घंटा तो आराम से बैठ पाएगा, उसके बाद थक भी सकता है, इट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन हमको लगता है 3-4 घंटा तो आराम से बैठ पाएगा। तो अच्छी है चेयर, तो ठीक है, ठीक ठाक ही है, इतना प्रीमियम भी नहीं है, फिर भी ठीक ही है, चल जाएगा। तो थैंक यू गाइस।